तिवारी ने नर्मदापुरम में कर्मचारियों और अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष की भाषा कर्मचारियों और अधिकारियों का अपमान है, इसके लिए जीतू पटवारी को माफी मांगनी चाहिए। जीतू पटवारी के इस बयान पर मुख्यमंत्री ने पूरे कांग्रेस को घेरा और ये कहा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, जीतू पटवारी माफी मांगे। तो मुख्यमंत्री ने जीतू पटवारी से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर माफी की मांग की है और ये कहा गया है कि कर्मचारी और अधिकारियों का अपमान जीतू पटवारी ने किया, उनकी भाषा एक अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, ये मुख्यमंत्री का कहना है। होशंगाबाद कलेक्टर ने कितने पैसे देकर कलेक्ट्री खरीदी है, ये जीतू पटवारी ने दरअसल बयान दिया था। ये कहते हैं जीतू पटवारी के बीजेपी के अधिकारी कर्मचारियों की असलियत है। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला और जीतू पटवारी समेत पूरी कांग्रेस को घेरा है। रस्सी जल गई बटन नहीं गया। कांग्रेस लगभग 20 साल से ज्यादा समय से स्टेट से सरकार से बाहर है, बीच में कुछ समय मिला तब भी सरकार चला नहीं पाए और अभी भी कांग्रेस के नेताओं ने जिस ढंग से अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो भाषा नर्मदापुरम में बोली है, मैं मान के चलता हूं कि ये समूचे अधिकारी कर्मचारियों का अपमान है, इससे उनको माफी मांगना चाहिए। तो देखा आपने, मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि 20 साल से कांग्रेस सत्ता से दूर है लेकिन उसके बावजूद रस्सी जल गई लेकिन उनका बल नहीं गया, ये प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं। नर्मदापुरम में दरअसल जीतू पटवारी ने कहा था कि होशंगाबाद कलेक्टर ने कितने पैसे देकर कलेक्ट्री खरीदी है और उसके बाद मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभालते हुए जीतू पटवारी को जमकर घेरा है, कहा उनकी भाषा अपमानजनक है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कर्मचारियों और अधिकारियों का अपमान किया है। तो जीतू पटवारी से माफी मांगने की मांग मुख्यमंत्री ने की है। रस्सी जल गई बटन नहीं गया। कांग्रेस लगभग 20 साल से ज्यादा समय से स्टेट से सरकार से बाहर है, बीच में कुछ समय मिला तब भी सरकार चला नहीं पाए और अभी भी कांग्रेस के नेताओं ने जिस ढंग से अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो भाषा नर्मदापुरम में बोली है, मैं मान के चलता हूं कि ये समूचे अधिकारी कर्मचारियों का अपमान है, इससे उनको माफी मांगना चाहिए। सीधे रुख करते एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, एक बड़ा बयान जीतू पटवारी की ओर से दिया गया और मोर्चा संभाला खुद प्रदेश के मुखिया ने, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जीतू पटवारी ने तमाम अधिकारी कर्मचारियों का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए, यानी कि इस पूरे घटनाक्रम पर अब सियासत और ज्यादा हमें देखने को मिलेगी और क्या जीतू पटवारी माफी मांगने को तैयार हो जाएंगे? देखिए, कर्मचारी अधिकारियों का एक बड़ा वर्ग है और आप जब किसी अफसर के बारे में ऐसा बोलेंगे तो जाहिर है कि उसकी तरफ सरकार उसके साथ जाएगी और ये उसी तरह का मसला है। एक दिन पहले नर्मदापुर पहुंचे थे, मैं भी सुन रहा था उनके बयान को, कल भी सुन रहे थे, तो लग रहा था कि वो सीधा एक तरह से चेता रहे थे लेकिन चेताने के साथ अब ये कहा जा रहा है कि धमकी दे रहे थे। कलेक्टर को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही, वहाँ के TI को लेकर, SDOP को लेकर सीधा मंच से बोला कि ये कलेक्टर, तो ये भाषाई जो मर्यादा है जिसको लेकर कई बार हम लोग जया बात करते रहे हैं, मुझे लगता है कोई भी हो, चाहे BJP हो या कांग्रेस, सभी को समझना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि अब इसको खुद, जैसा आपने कहा, मुख्यमंत्री खुद बता रहे थे, बोल रहे थे कि माफ़ी मांगे, तो इसका मतलब ये कि सरकार का समर्थन भी अफसर और कर्मचारियों के साथ मिल गया और एक एक व्यक्ति की ज़रूरत है इस समय कांग्रेस की। आप देख रहे हैं, दो दिन से सतना और टीकमगढ़ से बड़े झटके लगे कांग्रेस को, इस बीच में कांग्रेस के लोग सड़क पर भी उतर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास से लोग क्यों जा रहे हैं? और ऐसे में एक बड़ा मौका और आप दे देते हैं तो मुझे लगता, हालांकि ये जीतू पटवारी है, बहुत समझदार है, विपक्ष के नेता उमंग सिंगार है, तो दोनों ही अपने अपने तरह से बयान देते हैं लेकिन दोनों के बयानों में फ़र्क आता है और इसीलिए आज ट्वीट भी किया है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, उसको कहते हैं हालांकि बट नहीं गया, कहा मालवा में इसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, पर ये मानकर चलिए मुद्दा और गर्माने वाला क्योंकि मुख्यमंत्री खुद मैदान में आ गए हैं। अब देखते हैं क्या कर्मचारी अधिकारी भी इसको लेकर कुछ आगे की बात बढ़ाएंगे या जीतू पटवारी की तरफ से माफ़ी मांगी जाती है। निश्चित तौर पर जीतू पटवारी को खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से करारा जवाब मिला है। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो CM डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार अधिकारी कर्मचारी के साथ खड़ी है, पूरी कांग्रेस को घेरा है, 20 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस रही लेकिन उसके बावजूद रस्सी जल गई बल नहीं गया।